और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल पे की। अगर आप गूगल पे यूज करते हैं और ऐसे में ये है, अगर आप इसमें बैलेंस चेक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा, अगर इस तरीके की जो प्रॉब्लम है आपको देखने को मिल रही है गूगल पे में, तो इस प्रॉब्लम को आखिर आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो किसी भी तरीके की स्पॉन्सरशिप या फिर किसी भी तरीके की वीडियो नहीं है, ये वीडियो मैं खुद से यहाँ पर बना रहा हूँ। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैंने सोचा इस प्रॉब्लम का जो सलूशन है मैं सभी को बता दूँ, और इसी वजह से इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो किस तरीके से आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जब भी हम पैसा ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं तो वो पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा बैलेंस ही चेक नहीं हो रहा है। या फिर ऐसे में हम पैसे को ट्रांसफ़र भी करते हैं तो जो हमारा पैसा है वो फंस जाता है, ना तो सामने वाले अकाउंट में ही पहुंच पाता है, वो पेंडिंग में रह जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको जाना है प्ले स्टोर में। आपको यहाँ पर तीन चीज़ों को यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। जैसे कि प्ले स्टोर में यहाँ पर लिख देता हूँ गूगल पे, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गूगल पे इस तरीके से, तो देख पा रहा है बाजी टाइम यहाँ पर ये दूसरा आ जाता, तो ये आता क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि गूगल और पे देख सकते हैं हमारा आ चुका है। तो सबसे पहले आप इसे अपडेट कर लीजिएगा। अगर इन तीनों सेटिंग्स को आप कर लेते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इस बात को मैं आपको 100% कह रहा हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ से कट करना है। कट करने के बाद में आपको जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जा रहा हूँ, इधर है सेटिंग्स और ये है, ठीक है। मैंने सेटिंग्स को ओपन किया। ओपन करने के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे ऐप मैनेजर, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐप मैनेजर, या फिर आप यहां पर ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। ऐप मैनेजर लिखेंगे तो ऊपर वाली ऑप्शन आ जाएगा ये, और ये भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहां पर लिख देना है। उसके बाद में आपके सामने यहां पर कुछ ऐप लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं आता हूँ, पर इस प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो गूगल पे हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ से स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे हम यहाँ से क्लियर कर देंगे बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने इसे क्लियर कर दिया है। अब ये प्ले स्टोर को हम यहाँ पर गूगल पे को हम यहाँ पर ओपन करेंगे। गूगल पे को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब ये गूगल पे बिल्कुल नए सिरे से यहाँ पर ये ओपन होगा, ठीक है। हम यहाँ पर परमिशंस को अलाउ कर देंगे, मोबाइल नंबर से यहाँ पर वेरीफाई हो जाएंगे। तो चलिए मैं अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, और नेक्स्ट पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं, और वेरीफाई इसने सबमिट कर लिया है अपने आप ही ऑटोमेटो, ठीक है। अगर ये सिम आपके दूसरे फ़ोन में होगी तब भी यहाँ पर ये एक्टिव नहीं होगा। तो जो कि मुझे दिक्कत आ रही थी वो SBI अकाउंट में आ रही थी, तो चलिए मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा। उसके बाद में हम यहाँ पर एक्टिव माई अकाउंट, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये परमिशंस का ऑप्शन मिल जाएगा अलाउ का, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने यहाँ पर एक मैसेज से रिलेटेड परमिशन देनी होगी, और जो मैसेज है आपका यहाँ पर सेंड होगा, ठीक है। वेरीफाई नंबर जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है अगर हम पैसे को यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं फिर भी पैसा वो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका UPI पिन बना पहले से है तो आपको इसे यहाँ पर दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको नोट नाउ पर सिंपली क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देना है, फिर आपके सामने इस तरीके से आएगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कंटिन्यू, ठीक है, या फिर नोट नाउ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पिन बनाना नहीं है, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। इसे नोट नाउ पे सिंपली क्लिक कर देते हैं तो आपको ये पिन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको अपना बैलेंस चेक करना है। हालांकि इसमें मेरे दो बैंक अकाउंट थे, पर मैं आपको जो बैंक अकाउंट में मुझे दिक्कत आ रही थी वही बैंक अकाउंट मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी अपना UPI पिन एंटर कर देता हूँ, पर सिंपली क्लिक कर देंगे।
और जो आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। देखा आपने, मैंने किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई भी अलग से कुछ भी नहीं किया, ना तो वीडियो को कट किया है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको मैंने फिर भी किसी प्रकार का कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।